हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस चैनल के वीडियोस को आपके लिए बड़ा ही बोधगम बनाने का प्रयास किया है। आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। आज हम आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशंस का ये लेकर के आए हैं। हम लोग आज मात्रक और गुणा के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। साइंस में अध्ययन करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता पड़ती है और किसी भी भौतिक राशि को माप करने के लिए उसकी या उसको नापने के लिए हमको किसी न किसी प्रामाणिक राशि की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी राशि को नापते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए उसी प्रकार की किसी प्रामाणिक राशि को हम मात्रक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी चीज़ की हमको लंबाई नापना हो तो उसके लिए हम एक प्रामाणिक राश हमारे पास चाहिए, जिसकी सहायता से हम उसको नाप सकते हैं। उसके लिए हम मीटर लेते हैं। मीटर हमारी प्रामाणिक राश है और उसकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी दूरियों को हम नाप सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर मीटर ना हो तो हमारे पास हमारा ये हाथ भी है, जिसकी सहायता से हम नाप सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर के भी नाप सकते हैं, लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है। सबकी ये दूरियां बराबर नहीं होती, इसलिए इसके लिए आवश्यक है मात्रक के लिए कि मात्रक ऐसी भौतिक राशि होनी चाहिए जो प्रामाणिक हो, मानक हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए ली गई प्रामाणिक राशि को मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। और ये जो मात्रक है, क्योंकि हमारे पास राशियाँ बहुत सी हैं, मान लीजिए हमने किसी चीज़ का द्रव्यमान तोला और हमें किसी चीज़ की लंबाई नापनी है, तो हम द्रव्यमान के मात्रक की सहायता से लंबाई नहीं नाप सकते, इसलिए उसके लिए हमको दूसरे मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमने द्रव्यमान और लंबाई के मात्रक ले लिए तो द्रव्यमान और लंबाई के मात्रक से हम समय के को नहीं नाप सकते, इसलिए उसके लिए हमको अलग मात्रक लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो मात्रक जो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, उन्हें हम अलग मात्रक मानते हैं, और बाकी के वो मात्रक जो उन्हीं से बनते हैं या उन पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अलग मात्रक मानते हैं। तो मात्रक दो प्रकार के हुए, मात्रक दो प्रकार के, एक है जो किसी पर निर्भर नहीं करते, स्वतंत्र होते हैं, जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक, फंडामेंटल, यूनिट कहते हैं। दूसरे प्रकार के मात्रक हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न, डिराइव्ड मात्रक कहते हैं।
अब जो हमारे मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल मिनी यूनिट्स हैं, इन मूल मात्रकों के अंतर्गत 7 मात्रक आते हैं। उन मात्रकों 7 तो हमारे मूल मात्रक हैं और 2 सप्लीमेंट्री मात्रक हैं, यानी कुल 9 मात्रक हैं जो इस भाग में आते हैं, जो इस प्रकार है। 1, द्रव्यमान का मात्रक, जो भौतिक राशि है हमारी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक। यह मूल मात्रक माना है। द्रव्यमान के मात्रक को जो एसआई पद्धत है उसमें हम किलोग्राम कहते हैं, और इसको हम ईएम से दिखाते हैं। इसी प्रकार से लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक ये भी मूल मात्रक है, जिसको एसआई पद्धति में हम मीटर कहते हैं, और इसको एल से दिखाते हैं। तीसरा, समय का मात्रक, समय का मात्रक है सेकंड, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो 3 मात्रक हैं, ये 3 भौतिक राशियां हैं, ये हमारी यांत्रिकी के हैं। इनसे यांत्रिकी के जितने भी मात्रक होंगे उन्हें हम इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे यांत्रिकी में जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, जो इनसे निकालने वाले मात्रक हैं, वो आते हैं त्वरण, घनत्व, दाब, ऊर्जा आदि। ये सारे जो यांत्रिकी के मात्रक हैं वो इन्हीं 3 मात्रकों की सहायता से वो निकाले जाते हैं, और इन्हीं पर वो निर्भर करते हैं। ये मात्रक हमारी यांत्रिकी का मात्रक है। इसके बाद आगे चल करके 4th मात्रक है, जो ऊष्मा का मात्रक है, उसे कहते हैं ताप का मात्रक, ताप का मात्रक। ताप के मात्रक को केल्विन, उसको केल्विन कहते हैं, और उसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। 5th मात्रक है प्रकाश का मात्रक, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक। जो ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक है उसको कैंडेला कहते हैं, कैंडेला, और इसको सीडी से प्रकट करते हैं। छठा मात्रक है विद्युत का मात्रक, जिसे कहते हैं विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, एम्पियर, और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर। और 7th है, 7th मात्रक पदार्थ का अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ के मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट का मात्रक, इसे मोल कहते हैं, इसको मोल से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे जो 7 मात्रक हैं ये मूल मात्रक हैं। इन्हीं मूल मात्रकों से बाकी के जितने भी विज्ञान हैं मात्रक हैं वो इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं पर निर्भर करते हैं। इन 7 मात्रकों के अलावा
दो सप्लीमेंट्री मात्रक है, पूरक मात्रक है। पूरक मात्रक पूरक मात्रक में एक आता है कोण का मात्रक, कोण, प्लेन कोण, कोण का मात्रक, कोण का मात्रक है रेडियन, इसे आर ए डी से प्रकट करते हैं। और दूसरा है सप्लीमेंट मात्रक में घन कोण का मात्रक, सॉलिड एंगल, घन कोण का मात्रक। घन कोण के मात्रक को कहते हैं स्टेरेडियन, इसको एसआर से प्रकट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे जो मूल मात्रक हैं और दो सप्लीमेंट्री मात्रक हैं, ये बाकी के जितने भी मात्रक हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, डिराइव्ड मात्रक हैं, ये सब इन्हीं मात्रकों से बनते हैं, इन्हीं पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर ये द्रव्यमान का मात्रक, यानी ये आपका मास है, ये लेंथ है, लंबाई है, ये टाइम, समय, टेम्परेचर का मात्रक जिसे हम केल्विन कहते हैं, और ये ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मात्रक, ये करंट का मात्रक है, और ये अमाउंट ऑफ द सबिस्टेंस का मात्रक है, ये आपका एंगल और ये सॉलिड एंगल। तो इस प्रकार से ये हमारे मूल मात्रक हैं और फिर उसके बाद जितने भी हैं सभी मूल मात्रक हैं। अब किस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए हम इन्हीं मूल मात्रकों पर किस प्रकार वो भौतिक राशि निर्भर करती है, इसकी सहायता से हम निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसे फेसबुक और टेलीग्राम लिंक में दिया है। हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के लिंक को दिया है, आप उस पर जाकर इसके नोट्स को प्राप्त कर लें। किस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि की का मात्रक ज्ञात करते हैं, दो एक हम उदाहरण देते हैं। मान लिया हमें त्वरण का निकालना है, त्वरण, त्वरण बराबर होता है दूरी त्वरण बराबर वेग बटा समय। समय तो मूल मात्रक है लेकिन वेग नहीं है, ये बराबर हो गया विस्थापन बटा समय, वेग का हो गया, और एक समय और भी है। इस प्रकार से त्वरण का मात्रक आया, विस्थापन का या दूरी का या लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर होता है, इसका हो गया मीटर, और समय का हो गया सेकंड, तो हो गया सेकंड का स्क्वायर। हम इसको सामान्यतः इस प्रकार लिखते हैं, मीटर सेकंड माइनस टू। कभी कभी स्लैक लगा के भी लिखते हैं, इसमें सॉलिड्स इस तरह खींच दिया, लेकिन जहाँ पर कई इस तरह की राशियाँ रहती हैं वहाँ पर लाइनें खींचना थोड़ा आसान नहीं रहता। इसी प्रकार मान लिया हमको बल का निकालना है, बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का है किलोग्राम और त्वरण का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस दो, यह है आपके बल का मात्रक। इसी को न्यूटन कहते हैं, इसी का नाम न्यूटन है, इसी का नाम न्यूटन रखा गया है। इस प्रकार से किसी का भी हम मात्रक निकाल सकते हैं। कभी कभी किसी समीकरण में कोई भौतिक राशि है उसका मात्रक हमें ज्ञात करना रहता है। मान लीजिए हमारा शान बल बराबर ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स एक समीकरण है, जिसमें से ईटा का शांता गुणांक का मात्रक निकालना है। तो इसका मात्रक निकालने के लिए इसको अपनी जगह रहने दें, बाकी की राशियों को इधर ले आएँ, एफ डेल्टा एक्स नीचे ए आ जाएगा, फिर नीचे डेल्टा वी आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये बल है, बल का चाहे ये रख दें या न्यूटन रख दें, ये हो गया आपका न्यूटन। डेल्टा एक्स दूरी है, इसका हो गया मीटर। ये क्षेत्रफल है, इसका हो गया मीटर की घात दो। और ये वेग है, वेग का हुआ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा न्यूटन। चाहे स्लैक लगा के नीचे लिख दें या न्यूटन मीटर माइनस दो सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड, ये इसका शांता गुणांक का मात्रक है। ये तो हो गया कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जो हमको न ज्ञात हो, समीकरण में भी दिया हो, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, और या उसकी परिभाषा से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम विमा पढ़ते हैं। विमा डायमेंशन, विमा या डायमेंशन, किसी भी भौतिक राशि को हम मूल मात्रक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा त्वरण ही है, मूल मात्रकों के रूप में है। मान लीजिए हमारे पास है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई के लिए भी यल, चौड़ाई के लिए भी यल, ये बराबर हो गया यल की घात दो। इसी प्रकार आयतन, वी इसको टू लंबाई गुणे लंबाई यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यल की घात तीन। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, मूल मात्रक वही है लंबाई का, लेकिन इसकी घात बदल गई, घात के बदल जाने से वो भौतिक राशि भी बदल गई। तो किसी भी भौतिक राशि को प्रकट करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाई जाती है उसे उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को प्रकट करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाते हैं उसे विमा कहते हैं। इसलिए क्षेत्रफल की विमा यल की घात दो है और आयतन की विमा यल की घात तीन है। तो इसी तरह से अगर यहाँ आप देखें तो त्वरण की विमा यहाँ है मीटर की घात एक सेकंड की घात माइनस दो। तो विमा कहते हैं किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को प्रकट करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं
उसे उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। उसे उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रफल और मूल मात्रकों के बीच का संबंध बताता है, ये विमीय समीकरण कहलाता है। एक तरफ विमा है और दूसरी तरफ वो भौतिक राशि है, तो इसे विमीय समीकरण भी कहते हैं। अब यहाँ पर सामान्यतः हमको बहुत सारी भौतिक राशियों की विमा निकालनी पड़ती है, और या इन्हीं विमीय समीकरणों के आधार पर हमें कुछ समस्याओं को हल करना रहता है। अब आइए पहले तो कुछ भौतिक राशियों की हम विमाएँ ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमें विमा ज्ञात करना है वेग का। वेग बराबर होता है लंबाई बटा समय। इनको हम डिनोमिनेटर है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा यल टी की घात माइनस वन। तो वेग की जो विमा है वह है यल की घात एक टी की घात माइनस वन, और इसलिए इसको लिखने के लिए हम ये बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो वेग की विमा है यल टी माइनस वन। इसी प्रकार बल की विमा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का हुआ यम और त्वरण का हमने निकाला है, त्वरण बराबर है यम यस की घात माइनस दो। ये यम है मीटर यानी लंबाई और टी की घात माइनस दो, ये त्वरण की विमा है। ए की विमा है यल टी की घात माइनस दो। ये विमा हो गई त्वरण की विमा, बल की विमा। ये त्वरण की विमा आती है पूरी, बल की विमा हो गई। ऐसा ही में ऊर्जा आकार इनकी विमा निकाल सकते हैं। ऊर्जा या आकार इन सब की विमाएँ एक ही होती हैं। कार्य या ऊर्जा, कार्य की विमा होगी कार बराबर बल गुणे विस्थापन। अब चाहे बल गुणे विस्थापन से इसकी विमा निकालें, चाहे हाफ एम बी स्क्वायर से निकालें, विमा एक ही आएगी। इसलिए यफ इंटू यक्स, यफ की विमा है यम यल टी माइनस दो और यक्स की विमा है यल। इसलिए कार्य की विमा आई यम यल और यल की घात दो टी की घात माइनस दो, ये कार्य की बीमा हो गई। तो इस तरह किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम निकाल लेते हैं। कभी कभी कोई ना कोई हमारे पास समीकरण है उसमें हमको बीमा ज्ञात करना रहता है। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है यफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। इसमें हमको ईटा की ज्ञात करनी है, जहाँ पर यफ ये बल है, ये स्थिरांक है, ये श्यानता गुणांक है, आर त्रिज्या है, कोई वस्तु गिर रही है उसकी त्रिज्या है, और v चाल है। हमको ईटा का निकालना है, और इसीलिए ईटा यानी श्यानता गुणांक यह बराबर हो जाएगा यफ ऊपर रहेगा सिक्स पाई स्थिरांक है। स्थिरांक की कोई बीमा नहीं होती, ना पाई की कोई बीमा होती है, ना गिनतियों की कोई बीमा होती,
तो ये छूट जाएगा, बाकी आपका आया एफ अपान आर इंटू वी। एफ का हम निकाल चुके हैं, एफ की बीमा है यम यल टी माइनस दो, यम यल टी माइनस दो बल की बीमा हम निकाल चुके हैं, और इसलिए यहाँ नीचे आर आर माइनस त्रिज्या ये लंबाई इसकी बीमा है, ये है आपकी वेग या चाल, वेग की बीमा है यल टी माइनस वन, तो इसका हो जाएगा यल टी माइनस वन, ये आपका आ जाएगा यहाँ बराबर। यम तो अपनी जगह रहेगा, एक यल ऊपर है और एक यल नीचे से ये कट जाएगा, अब एक नीचे जो यल बचा ये ऊपर जाएगा, तो यल की घात माइनस वन हो जाएगी, नीचे एक घात है ऊपर जाने पर माइनस वन, और टी की घात माइनस वन है, टी की घात माइनस दो ऊपर है कट जाएगा, ऊपर केवल टी की घात माइनस वन बचेगा, टी की घात माइनस वन, यम यल माइनस वन और टी माइनस वन, ये क्षमता गुणांक की बीमा है। इस तरह से किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक समीकरण है v इक्वल टू ए टी प्लस वी ए टी प्लस बी अपान सी प्लस टी, हमको ए बी और सी की बीमा निकालनी है। इस तरह के जहाँ समीकरण होते हैं, एक बात ध्यान रखें, इसमें तीन पद अलग अलग हैं, एक ये है v, दूसरा पद ये है ए टी, और तीसरा ये पद है, इनकी सबकी बीमाएं आपस में बराबर होती है, जो बीमा v की होगी वही ए टी की होगी, वही v अपान सी प्लस टी की होगी। ध्यान रखें अगर किसी में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है, अंश और हर है, तो अंश की बीमा, अंश में जितने पद होंगे उनकी बीमा बराबर होगी, हर में जितने पद होंगे उसकी बीमा बराबर होगी, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पर हमको ए की बीमा निकालनी है, तो ए टी की बीमा बराबर वी की बीमा, वी चाल है और वी की बीमा हम निकाल चुके हैं, ये बराबर हुआ यल टी माइनस वन, ये तो हो गया ए टी की बीमा, और इसीलिए ए की बीमा, ए की बीमा बराबर हुआ यल टी माइनस वन अपान टी, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यल टी माइनस दो, ये हो गई ए की बीमा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ सी और टी दोनों इसके डिनोमिनेटर में हैं, दोनों दो पद हैं, दोनों की बीमाएं बराबर होंगी, तो ये टी है इसकी बीमा टी है, तो सी की बीमा भी टी होगी, और इस प्रकार सी की बीमा बराबर टी की बीमा बराबर टी। जब C की बीमा T हो गई, ये भी T है ये भी T है नीचे T है, तो ये पूरे की बीमा नीचे की T है ऊपर है B, तो C की बीमा हमें मालूम हो गई। अब मालूम करना है हमको B की बीमा, इस पूरे की बीमा B अपान C प्लस T, और चूंकि T की बीमा और C T की बीमा वही है C की बीमा वही है, तो दोनों की बीमा बीमाएँ जुड़ती नहीं हैं, तो जो ये बीमा है वो बीमा है तो एक ही बार लिखी जाएगी, यानी इसकी बीमा टी इसकी बीमा टी, तो हो गया बी अपान टी, और इसकी बीमा बराबर हो जाएगा बी की बीमा, जो बीमा इसकी वही इस पूरे की बीमा, इसलिए बी बटा टी की बीमा बराबर बी
कि बीमा बराबर एल टी माइनस वन, और इसलिए बी बराबर ए टी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एल। जब टी ऊपर जाएगा तो टी एक घात ये और टी की माइनस घात कट जाएगा, यहाँ बचेगा एल। इस प्रकार से ये आपकी बी की बीमा हो गई। तो आज तो बस इतना ही। हाँ हेलो, तो ये आज तो बस इतना ही है। आप की जो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हमारे सोशल साइट्स पर जाकर के उसको आप हल कर लें। हम आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हल करते रहेंगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक किया है, आप जाकर अपने नोट्स प्राप्त कर लें। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।